अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उसाम भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा उसाम भाई, आज आप हमें किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और क्या सिखाएंगे आज हमें? आज मैं आप लोगों को बताऊंगा पूरी में और बर्बरी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। और इनमें क्या पॉइंट्स देखे जाते हैं। ठीक है, तो इस बारे में मैं बताऊंगा। अच्छा बताएं, कुरी क्या चीज़ है, बर्बरी क्या चीज़ है? देखें, ये है कुरी। कुरी है? ठीक है। इसको कुरी किस तरह से या फिर देख के कैसे पता चलेगा, वो है इसके कान। ठीक है। ठीक है, आप इसके कान ये देखें, ना होने के बराबर है। अच्छा अच्छा, इनमें जो है ना एक दूसरी भी आती है जिसके कान थोड़े से ना बड़े होते हैं, वो भी कुरी है लेकिन वो क्रॉस हुई भी होती है। ठीक है, तो इस तरह इसको पहचाना जाता है इनके कानों से। देखें इनके कान किस तरह। ठीक है। अच्छा सर, ये ब्रीड कहाँ की है, किस सूबे की ब्रीड है? ये सिंध की ब्रीड। सिंध की ब्रीड है। अच्छा, ये किस पर्पस के लिए रखी जाती है, मिल्क के लिए या मीट के लिए? ये दूध के लिए होती है। ठीक है। मीट के लिए तो आपको पता है डैडी ज्यादा वो होता है। जी जी, दूध के लिए रखी। ठीक है। अच्छा सर, इसमें क्या क्या पॉइंट देखे जाते हैं कुरी के बारे में बताइए थोड़ा सा। ये देखें आप इसके कान। ठीक है। ये झालर देखें। अच्छा झालर होती है इसमें। ठीक है। ये देखें बच्चा है। ठीक है। बच्चे के हिसाब से आप इसका सीना देखें। ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। इसकी झालर देखें, बच्चे के हिसाब से इसकी झालर देखें। माशाल्लाह माशाल्लाह। सर इसकी एज क्या है? इसकी एज जो होगी तकरीबन 4 महीने का होगा। 4 महीने का। अच्छा माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा इसमें मेन पॉइंट जो है, इसके कान देखे जाते हैं? इसके कान है। ठीक है, और क्या पॉइंट होते हैं? नोज। अच्छा, नोज भी कुरी में लाजमी है ना, आप कैसी राउंड नोज। अच्छा माशाल्लाह, जैसे गुलाबी में नोज काउंट की जाती है, कामोरी में इसमें कुरी में भी नोज काउंट की जाती है। देखें नोज कैसी राउंड है। राउंड नोज होनी चाहिए। अच्छा अच्छा, ये इस एक्सपेक्टेड कितने बच्चे देती है कुरी ब्रीड जो है? ये 2 से 3 देती है, कभी 4 भी दे देती है। ठीक है। और इसमें जो दूध की सलाहियत होती है वो कितना होता है, मैक्सिमम कितने केजी तक दूध देती है एक टाइम पे? तकरीबन मैक्सिमम जो है वो 2 किलो तक। 2 किलो तक देती है। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा सर, इसके साथ आपके पास एक और भी ब्रीड खड़ी हुई है, उसके बारे में डिटेल्स बताएं उसकी, और उस ब्रीड के बारे में बताएं। ये है बर्बरी। बर्बरी, इसमें क्या खासियत होती है? इसके कान देखें, इसके जो खासियत है वो मेन खासियत इसके कान है। ठीक है। इसके कान देखें आप कैसे घोड़े की तरह कान है। ठीक है सर, इसमें आपने कोई अल्ट्रेशन की हुई है इसके कानों में या कुदरती होता है? ये नेचुरल होता है बर्बरी में, जो अच्छी बर्बरी जो प्योर बर्बरी आपको दिखेगी ना वो इसी तरह की होती है। अच्छा, ऐसे इनमें कुछ लोग आप टैडी को भी बर्बरी बोल रहे हैं, जिसके कान थोड़े न्यू होते हैं बोलते हैं बर्बरी है। ठीक है। असल बर्बरी जो मैं आपको बता रहा हूँ इनके कानों से पहचाना जाता है। कानों से पहचाना जाता है। अच्छा माशा। अच्छा सर, इनमें बच्चे देने की सलाहियत कितनी होती है? अभी वही बच्चे देने की सलाहियत 2 से 3 या फिर कभी कभी 4 भी दे देते हैं। 4 भी दे देते हैं। अच्छा सर, इनका एक्चुअल वेट क्या होता है जब ये बड़े हो जाते हैं फुल साइज के अंदर? एक्चुअल वेट कितना होता है? तकरीबन जो है ये जाते हैं 40 से 50 तक जाते। 40 से 50 केजी तक जाते हैं। अच्छा माशा। और सर, इनमें दूध देने की सलाहियत कितनी होती है? दूध इनमें थोड़ा कम होता है बनिस्बत कुरी के। ठीक है। कुरी यानी जो है ब्रीड, ये दूध की बेस्ट ब्रीड है। अच्छा व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कुरी जो ब्रीड है दूध के लिए बेस्ट है, उसाम भाई बता रहे हैं। और जो बर्बरी है ये ब्यूटी में आती है, इसको ब्यूटी के लिए ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। अच्छा, बर्बरी के अंदर खास पॉइंट्स बताएंगे, किस तरह देखे जाते हैं पॉइंट्स, थोड़े से बताएं। पॉइंट देखें इसके मेन चीज़ तो ये जो होती है वो इसके कानों से। ठीक है। ठीक है। और दूसरा इसमें प्रिंट देखा जाता है। प्रिंट देखा जाता है। अच्छा, यानी प्रिंट किस तरह होना चाहिए? प्रिंट इसका होना चाहिए, डॉट होने चाहिए, कम होने चाहिए। फुल वाइट होगा तो वो भी जो है थोड़ा नॉर्मल एवरेज माना जाता है, लेकिन जो अच्छा माना जाता है वो माना जाता है कि वाइट पे डॉट हो कम। ठीक है, हल्के डॉट्स हो। अच्छा अच्छा सर, माशाल्लाह से दोनों आपके जो ये हैं, आपका शौक है, ये थोड़ा सा आप चला के दिखाएंगे, हमें भगा के दिखाएंगे ताकि हम अपने व्यूअर्स को दिखा सकें कि ये आपको फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं उसामा भाई, ये हमें इनकी ब्रीफिंग दे रहे थे और इनके बारे में बता रहे थे। अब हमने इनसे रिक्वेस्ट किए कि थोड़ा सा हमें ये चला के भी दिखाएं, और ये आप देख सकते हैं इनकी चाल ढाल भी जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा उसामा भाई, पूरी दुनिया से लोग आपको देख रहे हैं, आप क्या उनको मैसेज देंगे गोट फार्मिंग के रिलेटेड? मैसेज ये देंगे कि भाई शौक करें तो थोड़ा पहले रिसर्च किया करें,
ताकि एक तो इन शौक में होता ही है फ्रॉड बहुत होता है, ठीक तो है, लोग उससे ना डिसार्ट हो जाते हैं, उसके बाद वो शौक छोड़ देते हैं, ठीक है। तो मैं यही बोलूंगा कि शौक करने से पहले आप पहले थोड़ी रिसर्च कर लिया करें, ठीक उसके है, बाद फिर शौक करें, शौक करना कोई बुरी बात नहीं है, बस यही मैसेज दूंगा। चलें उसाम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।